कोई तो रोक लो। ओ माय गॉड, जरा आगे पीछे पूरा घूम के दिखाए ना क्या पहना हुआ है भाई। ओ माय गॉड, माय गुडनेस, अच्छा रिवैम्प किया है बहुत अच्छा। आप ये देखिए विनेश, तुम हाँ तुम खड़ी हो, तुम मॉडल बन के खड़ी रहो विनेश, हम तुम्हारे ऊपर तबसरा कर रहे हैं। स्टाइल कितना अच्छा है। और ये जो इसने ये जो साड़ी है इसकी तुमने लुंगी टाइप कह सकते हैं इसको, तुम इसमें लुंगी डांस कर सकती हो। हाँ जी बैठिए भाई, कहानी सुना है आपके जोड़े की। ये लुंगी है और शर्ट जो तुमने थी वो, ये जो सीक्वेंस वाला कपड़ा, ये क्या स्ट्रेचेबल कपड़ा है? हल्का सा ब्लाउज। हालांकि अगर आप देखो तो इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ पर्पल पिंक, इट्स अ कैंडी वन जो कि हल्का सा इधर आ रहा है, बहुत हल्का आ रहा है, बट मैंने रिस्क उठा लिया, मैंने कहा ये चल जाएगा। चल रहा है तो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट शेड होने की जरूरत नहीं होती, 19-20 भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर जाता है। सुनो टेलर ने समझ कैसे लिया ये? अच्छा अब जैसे तुम ये कोट दिखाओ जरा, ये कोट थोड़ा सा ऊपर। हाँ इस कोट का ये होता है कि ये ऐसे सिलता है कि ये ज्वाइन नहीं होता, इसका डिस्टेंस रखना पड़ता है। अब इससे आप दुबले भी लगेंगे, अगर आप हैवी है ज्यादा बस्टी है तो ये आपको कवरेज भी दे रहा है। ये मैंने टेलर से, मजे का कपड़ा है, स्पेसिफिकली टेलर को कहा था कि उसको 6 इंच के डिस्टेंस पे रखना ताकि मेरा ये बंच और ये जो प्लीट्स हैं ये नजर आए, ये ओपन ही रहे। ये बंच तुमने खरीदा था वहां से, ये जो बंच लेस वाले से खरीदा और ये एप्लीक हुआ है 500 रुपए का, नहीं ये टकाई हुई है ना। अच्छा टकाई हुई लग रहा है, एप्लीक हुआ है। टेलर भी अच्छा है बहुत इसका, मतलब मैं यही कह रही हूं इसका टेलर मस्त। और जो तुमने ऊपर कोट पहना है वो एक कपड़ा आया हुआ है आजकल, ये वो क्रश का कपड़ा आया हुआ है आजकल मार्केट में, उसका मैंने कोट बना लिया और बेल मैंने नीचे ऐसे ही लगा ली जस्ट लाइक दैट। मतलब कोई डिजाइनर अगर से बेचे तो कितने में बेचेगा यार? मतलब ये तो मुझे तो लगता है 50,000 तक तो जाएगा। 40-50,000 कहीं नहीं गया, 50,000 क्योंकि बहुत स्टाइलिश है। हाँ, बहुत स्टाइलिश है। स्कर्ट्स के पैसे होते हैं ना। मैं ये कहने वाली थी आजकल डिजाइनर्स मोर देन द वर्क दे चार्जिंग यू फॉर द कट्स यस और स्टिचिंग, तो इस पे कोई काम ही नहीं है ना। आप अगर देखें उन्होंने मुझे कहा था कि कोई ऐसा आउटफिट बनाएं जो आप किसी शादी पे यूटिलाइज करें। अब नाउ दिस इज अ प्रिंटेड साड़ी, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ ग्लैम नहीं डाल सकते थे, सो आई वाज रिस्ट्रिक्टेड। फिर मैंने कोट ले लिया, इतना तो ग्लैम डाल दिया इसने सीक्वेंस का ब्लाउज। पहले मैंने असल में कोट का कपड़ा लिया, फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही यू नो पेस्टल टाइप हो जाएगा वहां के। फिर मैंने जर्सी वाला सीक्वेंस का कपड़ा ढूंढा तो वो मुझे मिल गया, फिर मैंने वो सीक्वेंस डाल दिया। अब सीक्वेंस से क्या हो गया, वो थोड़ा सा शादी और ग्लैमर टाइप इफेक्ट आ गया। अच्छा अब जैसे तुम लेटे थी, अब जब तुम शादी में जाओगी तो तुम इसको कैसे इस पे तैयार होगी, ज्वेलरी क्या पहनोगी? शादी के लिए कहूंगी तो मैं अल्टाइमा हेयर, ओके, और मैं इस इतने बड़े साइज के इसी स्टोन्स में कोई बुंदे लूंगी गोल्ड के साथ। तुम लाई नहीं, तुम ले आती ना ताकि हम लुक देखते। हाँ वो मुझे मिले नहीं, चलो इमेजिन कर लेते हैं ना, इमेजिन कर लो। लेकिन मैं इसको किसी शादी पे यूटिलाइज जरूर करूंगी। तो उसमें बड़े बड़े आप ले लिए और आपने थोड़ा सा टाई अप कर लिया बालों को, तो वो ऑटोमेटिकली ना स्नैच लुक। और आई मेकअप मैं इसमें बहुत हैवी स्मोकी दे दूंगी, और लिपस्टिक पेल, लिप्स पेल दूंगी क्योंकि बहुत पिंक है। अगर पिंक लिपस्टिक दूंगी तो बहुत अजीब लगेगा, तो आपने पेल न्यूट सी लिप्स दे दी, बेशक आपने ब्लू या कोई भी ऐसा कलर लेके स्मोकी को साथ कर लिया, ब्लैक के साथ ब्लू अच्छा लगता है, और हैवी आई मेकअप with tied hair with you know very big chunky थोड़े से चमकते हुए वो भी मतलब या तो sequins हो या कुछ अच्छा है ना जो साड़ी कैरी नहीं कर सकते उनके उनको वो प्लीट्स पे मिल गई वहाँ, उनको लुक भी आ गई इस पे, आप उछल कूद ये वो सब कुछ कर सकते हैं। और बात करते हैं कॉन्शियस होती हैं अपने इस हिस्से को वो करने के लिए, तो ओवरकोट दे दिया बिल्कुल, अगर आप ज्यादा ओवरकोट और कॉन्टोर्ड भी रहे तो आप कॉन्टोर भी हैं। अब जैसे अगर कोई यंग है और पेटीट है तो उसको ओवरकोट की जरूरत नहीं है, वो स्लीव्स पहने और इतने पल्लू ले ले साड़ी का, नहीं 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 बना नहीं नहीं मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा ना इसके साथ और भी बहुत कुछ हो सकता था, मगर क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, अब जैसे इसका कपड़ा बचा हुआ था, व्हाट आई वुड हैव डन नॉर्मली कि मैं इसकी जो है वो पतली स्लीव्स देती और ये जो कपड़ा है ना इसको दोनों तरफ जो है वो दुपट्टा डालती और बीच में इतना सा कपड़े पे कुछ काम या कुछ एप्लीक टाइप। मुझे नहीं समझ आई। हाँ, मुझे भी दुपट्टा नहीं बनता, जैसे ये बेल्ट है
इट्स लाइक दुपट्टे के बीच में और दोनों तरफ से आपका दुपट्टा चला गया। देखो वही वाली बात है जैसे दुरे फिशा ने नहीं अभी किसी कोई इवेंट हुआ था उसमें गोल्डन कलर का वो पहने हुए उसने अपनी गर्दन पूरी छुपाई हुई उस चीज से, मतलब अगर वो ना ही छुपानी हो आपको गर्दन तो वो एक पतली सी वो पाइपिंग। अब जब मेरे बाल टाइड अप होंगे ना तो मेरा ये हिस्सा खुला होगा तो मैं वो पट्टा विद द दुपट्टा उसको और स्टाइलिश बना के हैंडल कर सकती हूँ, तो वो आम दुपट्टा नहीं होगा। अच्छा एंड देन यू वोंट वेयर अ कोट? देन आई वोंट वेयर अ कोट। दो दो तरीके हो गए ना, बाकी साड़ी भी यूटिलाइज हो गई। ठीक है, और स्लीव्स किस चीज की होंगी? कपड़ा साड़ी पतले कपड़े की साड़ी की बनाना फुल स्लीव्स सीक्वेंस के टॉप के साथ इसी की स्लीव्स ऐड ऑन कर दी। पतले हमें दो आइडियाज मिल गए साड़ी से, क्योंकि आपको समझ आता है प्रिंटेड साड़ी के साथ आप करें क्या कर रहे हैं। आप कॉन्शियस हैं अगर तो आप ओवरकोट पहन लें, अगर आप बॉडी कॉन्शियस नहीं हैं तो फिर आप नॉर्मली इस आउटफिट को इसी तरह पहने विद दैट दुपट्टा, देन इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी। अच्छा आप तुम मुझे बताओ कितने का पड़ा ये तकरीबन? यार ये 500 रुपए का था। ठीक है, ये 90 रुपए के हिसाब से हमने ये ली। ठीक है, 400 रुपए का ये कपड़ा, वो 300 का भी दे देता लेकिन अब इतनी बहस नहीं की हमने। और ये उसने मुझे 900 रुपए का गज दिया जो कि डेढ़ गज लगा, मेरा इतना सा ब्लाउज है स्लीवलेस। मतलब अगर और दर्जी को कितने पैसे दिए? दर्जी ने उसने लिए होंगे ना। दर्जी ने आप बोल रहे हैं कि अगर चलो 5000 भी आपने जबरदस्ती 5000 ही लिया मैंने और आपको इसमें 2000 टोटल, अगर 7000 में आपका एक नया शादी वाला जोड़ा तैयार होगा पुरानी साड़ी से, इतना फैंसी जो कि अगर आप सोचे भी बनवाने का तो आपको 40-50 हज़ार से कम का नहीं, कॉटन के भी नहीं मिलते 7-7 हज़ार। You're right. So वो ये तो ट्रीट है, एक ट्रीट तो आपको मिल गई यार। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।